हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी वर्षा, और आपको मेरे चैनल मित्रस क्रिएशन न्यू पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं करने वाली हूँ मेकअप अंडर ₹50 का। ये एक चैलेंज है, मतलब चैलेंज नहीं, थोड़ा सा मुझे मन किया कि मैं डालूँ, सब लोग डाल रहे हैं, तो बेसिकली उसकी तरफ से है। तो ये मैंने जो लुक क्रिएट किया है, ये मेकअप अंडर ₹50 पे है। मतलब मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है इस पे, वो मैं अंडर ₹50 पे है। तो इसमें मैंने कुछ DIY प्रोडक्ट्स यूज़ किया है, और कुछ प्रोडक्ट यूज़ किया है जो मैंने परचेज किया है मेरा लोकल मार्केट यानी बड़ा बाजार से। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, मैं उस प्रोडक्ट के बारे में अलग से रिव्यू कर दूंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, तो लेट्स मूव ऑन द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी पतंजलि का जो एलोवेरा जेल है, वो एज अ प्राइमर। मैं बड़ा वाला ट्यूब ले रही हूँ। आप चाहे तो, ये ₹50 मेकअप चैलेंज है, तो आप छोटा सा ले सकते हैं, मतलब जो ₹45 पे आता है। इसको मैं अपने टी जोन एरिया पे अच्छे से लगा रही हूँ, क्योंकि विंटर में टी जोन एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, और ओपन पोर्स के लिए यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। और इसको लगाने के बाद मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। फिर मैं लूँगी यहाँ पे जॉनसन का बेबी मिल्क क्रीम। इसका छोटा ट्यूब आता है ₹50 पे, तो ये मैं लूँगी थोड़ा सा मेरे हैंड पे, लाइक दिस। ये मैं थोड़ा सा लूँगी, और इसको मैं अच्छे से अपनी स्किन पे डैप करके अच्छे से मैं लगा लूँगी, क्योंकि विंटर सीजन है और मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मेकअप करने से पहले स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अच्छे से मेरा मेकअप हो सके। तो मेरा बेस रेडी है। अब आते हैं बीबी क्रीम पे। मैंने यहाँ पे लिया है अपना वाला बीबी क्रीम, ये मैंने खुद बनाया है। अगर आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बार पे दे दूँगी। ये मैट बीबी क्रीम है, एंड इसको मेरे हाथ में मैं थोड़ा सा लेके फुल फेस पे डॉट डॉट करके ऐसे स्प्रेड कर दूंगी। फिर इसको मैं अपने हाथों से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे तो इसके लिए आप मेकअप स्पॉन्ज का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको हाथों से ही ब्लेंड करना ज़्यादा प्रेफर देती हूँ, तो इसको मैं हाथों से ब्लेंड कर लूँगी। एंड अगर आप चाहे तो आप ₹50 के अंदर ब्लू हेवन का सिग्नेचर फाउंडेशन ले सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है अपनी स्किन के लिए। एंड एज अ कंसीलर मैं इसको ही यूज़ करूँगी, और कोई भी मुझे कंसीलर अंडर ₹50 पे नहीं मिला है। अगर आप चाहते हैं तो आप ब्लू हेवन का जो है फाउंडेशन, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। और आप इसका 2 कोट लगाएंगे तो आपका स्किन और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो कंसीलर के लिए मैं सेम ही बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं अपनी डार्क सर्कल्स एरिया पर लगा दूँगी, क्योंकि मेरा फेस में एक वही एरिया है जो बहुत ज़्यादा डार्क है, एंड उसके अलावा मेरे स्किन पे अलग कोई पिंपल का जो दाग धब्बा या फिर कोई अलग पैचीनेस नहीं है। अगर आपकी स्किन पे है तो आप बेझिझक उसको लगा सकते हैं। ये एज अ कंसीलर बहुत अच्छा वर्क करता है, एंड इसका जो थिक कंसिस्टेंसी है, ये आपके चेहरे को बहुत अच्छी तरीके से एक मैट फिनिश देता है। एंड ये मेरा पूरा फेस का जो बेस है वो बिल्कुल सेट हो चुका है, एंड आप देख सकते हैं कि मेरा कंसीलर एंड जो फाउंडेशन है वो मैंने एक ही चीज़ों से लगाया है, एंड ये मेरा बेस बिल्कुल सेट है। सो इसके बाद आते हैं आई मेकअप पे। तो आई मेकअप के लिए मेरे यहाँ पे एक ऑप्शन है, वो है आई लाइनर। मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये सिर्फ ₹35 पे है। लोकल मार्केट पे इसका प्राइस है ₹40। अगर आप स्टोर के जो मालिक है उससे बात करेंगे तो आपको ये ₹35 पे डिस्काउंट से अच्छा खासा दे देंगे। और इसके साथ मैं एक मोटा वाला एक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। मैं आईज मेकअप में और कोई भी मेकअप नहीं चाहती, इसलिए मैं एक मोटा वाला विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं आई शेडो यूज़ करना, तो इसके बाद मैं दिखाऊँगी कि मेरे पास ऑप्शन में और क्या क्या है।
आईज पे अच्छे से आप एक विंग लाइनर ड्रॉ कर लीजिए और विंग लाइनर को थोड़ा सा गाढ़ा ड्रॉ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप आई शेडो का यूज़ करना तो आई शेडो यूज़ करके फिर आप विंग लाइनर ड्रॉ कीजिए, या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी आई लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आई शेडो नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैं विंग आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। तो विंग लाइनर ड्रॉ करने के बाद मैं इसी से ही अपना मस्कारा कर लूँगी। मैं अपनी आई लैशेस को अच्छे से इसी से ही ग्रूम कर लूँगी। ये बहुत अच्छा एक मस्कारा के हिसाब से भी वर्क करता है। और इसको लगाते मैं अपर लैशेस पे एंड लोअर लैशेस पे अच्छे से एज अ मस्कारा मैं इसको लगा लूँगी। एंड यहाँ पे आईज को थोड़ा सा और ड्रामेटिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ग्लिटर, एंड मैंने यहाँ पे लिया है मेरा पैड ब्रश, एंड देन मैं मेरा DIY सेटिंग स्प्रे से छिड़काऊंगी थोड़ा सा एंड इसको मैंने स्मॉल पैड ब्रश लिया है, एक्चुअली वो बड़ा वाला था। मेरा आईज बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, सो इसको मैं अच्छे से डिप करके फिर यहाँ पे ग्लिटर लिया हुआ है थोड़ा सा ग्लिटर, तो ये थोड़ा सा शाइनी हो जाएगा एंड ये बहुत अच्छा लगता है मुझे ये लुक। तो इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं एंड फिर आते हैं आई मेकअप के बारे में। तो ये सूखते सूखते मैं आपको बता दूँ, आप अगर आई लाइनर और आई शेडो यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे MN का आई पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास जो है इसका मैं रिव्यू करूँगी, ये है इसका प्राइस है ओनली 20 रुपीज़। ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये मार्स का है, सॉरी MN का नहीं, मार्स का। इसका एक पैकेट आता है 200 का, 12 शेड है उसमें, और इंडिविजुअली मैंने रोकट मार्केट से परचेज किया था बड़ा बाजार से, तो वहाँ से मुझे ये मिला सिर्फ 20 रुपीज़ का पर पेंसिल। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसका टिप बहुत ज़्यादा, ये एक काजल बेस्ड है एंड इसका बहुत अच्छा है। सो ये है ग्रीन वाला एंड फिर ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला है। सो इसको आप एज अ आई लाइनर या फिर एज अ आई शेडो यूज कर सकते हैं, ये दोनों बहुत ही अच्छा है। फिर आते हैं काजल के सेक्शन पे। यहाँ पे मैं 5 रुपए का काजल यूज कर रही हूँ, जो कि आम बच्चे जिसको छोटे बच्चे को बिंदी लगाने के लिए जो काजल यूज़ किया जाता है, तो उसको मैं एक एंगल ब्रश से अपनी वाटर लाइन पे स्मच करते हुए अप्लाई करूँगी। ये स्मच प्रूफ नहीं है, तो आप अगर चाहते हैं कि स्मच प्रूफ बनाना तो आप इसमें पाउडर ऐड कर सकते हैं। पाउडर ऐड करने से ये स्मच प्रूफ हो जाएगा और आपके वाटर लाइन पे काफ़ी देर तक स्टे करेगा।
इसको मैं एज अ आईब्रो बेस भी लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा लोकल प्रोडक्ट नहीं है, मैं सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट को ही यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं एक ही प्रोडक्ट को अपनी आई मेकअप पे काफ़ी बार यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट अपनी फेस पे लगाना अच्छा नहीं लगता। तो सो आई मेकअप हो गया है। अब आई मेकअप के बाद आता है लिपस्टिक के बारे में। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से ADS का लिप लाइनर ले रही हूँ। ये 30 रुपीस पे आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो डाल दूँगी। तो इसको मैं अच्छे से मेरा लिप पे जो है उस पर मैं अच्छे से इसको एज अ लिप लाइनर अच्छे से इसको अपनी लिप्स पे लगा लूँगी। लिप्स पे अच्छे से इससे एक लाइनर ड्रॉ कर लूँगी, ताकि मेरा लिपस्टिक कोई भी बाहर नहीं जाए। सो इसके बाद मैं यहाँ पे मार्स का लिप लाइनर ले रही हूँ, जो कि 40 रुपीस पे मिलता है, और ये पीची शेड है। ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे, और ये शेड बहुत अच्छा लगता है कोई भी बोल्ड लुक के साथ। तो ये पीच कलर का शेड है, एंड ये मेरा लोकल मार्केट पे 40 रुपीस पे मिल जाता है। आपको इसका भी जो अलग से मैंने वीडियो बना है उसका भी लिंक मैं डाल दूँगी। सो ये मेरा हो गया है फेस मेकअप। अब आते हैं कॉन्टोरिंग पे। तो मैं यहाँ पे जो मीनाओ का ट्रूलिप लाइनर है उससे मैं ब्राउनिश एक शेड लूँगी, इसका नंबर मुझे नहीं पता। तो इससे मैं अपना कॉन्टोर करूँगी मेरा चिक्स का जो है चिक्स पार्ट पे, एंड नोज पार्ट पे मैं कॉन्टोर करूँगी, क्योंकि कॉन्टोर के लिए एक ब्रश आता है, ब्रश नहीं एक पेंसिल आता है ADS का, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं यहाँ पे ट्रू लिप लाइनर का लिप लाइनर ले रही हूँ, क्योंकि ट्रू लिप लाइनर मेरे पास है। तो इससे मैं एक ब्रश से इसको मैं स्मज करते हुए इसको अच्छे से मेरे जो चिक बोन है चिक बोन पे एंड नोज पे अच्छे से मैं इसको स्मज कर लूँगी। नोज को भी अच्छे से स्मज कर लूँगी, ताकि मेरा नोज थोड़ा सा पॉइंटेड दिखे। तो अब मैं ले रही हूँ एक पिंक वाला लिपस्टिक का शेड, जो कि है वही मार्स के लिपस्टिक से। तो इसका शेड नंबर है 025। तो इसको मैं एज अ ब्लश यूज़ करूँगी। आप ADS का ब्लश यूज़ कर सकते हैं, वो 50 रुपीज़ पे आ जाता है, या फिर ब्लू हेवन का ब्लश यूज़ कर सकते हैं, वो भी 25 रुपीज़ पे आ जाता है। फाइनल लुक जिसको मैंने अंडर 50 रुपीज़ पे कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके एंड बेल आइकन पे को दबा दें, ताकि मैं जब भी अगली वीडियो डालूँ आपका नोटिफिकेशन में चला जाए। एंड सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, एंड ऑल्सो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल पर बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।